नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव, आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम पिन जनरेट करते समय आने वाले एरर के बारे में। कई कार्ड्स में देखा गया है, सब में तो नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ कार्ड्स में ऐसा देखा गया है कि जब एटीएम पिन जनरेट करते हैं तो आपको एक मैसेज शो होता है एटीएम मशीन पर, जिसमें लिखा होता है इनवैलिड कार्ड। तो इसका मतलब यही है कि आपके कार्ड पर एटीएम सर्विसेज जो हैं वो एक्टिव नहीं है या फिर इनेबल नहीं है। दूसरा जो एरर आपको देखने को मिलेगा वो आपको शॉपिंग साइट्स पर देखने को मिल जाएगा कि जब आपने कुछ परचेज़ किया और जब आप पेमेंट करने के लिए जब गए तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा या फेल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आपके कार्ड पर जो ई कॉम सर्विसेज़ हैं वो एक्टिव नहीं है या फिर इनेबल नहीं है। अगर आपको इन दोनों ही सर्विसेज को एक्टिवेट कराना है या फिर इनेबल कराना है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ये कि आप अपनी बैंक में जाएं, दूसरा ये है कि अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है तो इसे आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नेट बैंकिंग से इन सर्विसेज़ को कैसे एक्टिव करते हैं या इनेबल करते हैं मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो SBI की नेट बैंकिंग साइट है उसे हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने साइट को पहले ही ओपन कर रखा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर कुछ टैब देख रहे हैं जिसमें एक टैब यहाँ पे मिलता है हमें ई सर्विसेज का। तो हमें ई सर्विसेज पे जब हम कर्सर को लाए तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एटीएम कार्ड सर्विसेज, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होता है, अपने कार्ड को अगर आपका नया कार्ड है तो उसे आपको एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने के बाद भी अगर आपका पिन जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको एक ऑप्शन ये मिलता है एटीएम कार्ड लिमिट चैनल यूजेस चेंज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो कार्ड है, जिस कार्ड को आप इनेबल करना चाहते हैं या एक्टिवेट करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्ड है तो मैं इसे एक्टिव कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे चेंज चैनल टाइप, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एटीएम चैनल, पोस्ट चैनल और सीएनपी चैनल। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से चेक करना है कि कोई चैनल आपका डिसेबल तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्टेटस में दिखा रहा है कि इनेबल, तो ये जो चैनल है हमारा एटीएम वाला वो इनेबल है, और पोज वाला देखते हैं तो वो भी इनेबल है, और सीएनपी वाला देखते हैं तो वो भी इनेबल है। तो यहाँ पे अगर ये डिसेबल होगा, अगर मान लीजिए हमारा जो पोस्ट चैनल है अगर वो अगर यहाँ पे डिसेबल है तो इसका मतलब अगर हम ऑनलाइन परचेस करेंगे तो उसका पेमेंट हम कर नहीं पाएंगे, मतलब पेमेंट फेल हो जाएगा। तो इसे अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल करने के लिए आपको बस सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या स्टेप आता है। तो सबमिट करते हैं इसे। सबमिट करते ही यहाँ पे अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने अपनी बैंक के साथ में लिंक करा रखा उस पर आपको एक SMS मिलेगा। हमें यहाँ पे OTP मिल गया है और हम इस OTP को इसमें एंटर करेंगे। और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है चैनल सेलेक्टेड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर हमें वापस उसी पेज पे जाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और सेम प्रोसेस वही करना है हमें यहाँ पे चेक करने के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय जो हमारी जो ई कॉम सर्विसेज हैं वो डिसेबल हो गई हैं। तो आप इस तरह से एक्टिव कर सकते हैं सभी सर्विसेज को। आप जितनी भी सर्विस हैं, यहाँ पे तीन सर्विसेज हैं, तो इनको आपको एक्टिव रखना है। तो चलिए हम वापस इसको इनेबल ही कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि मान लीजिए आपका कार्ड में कोई भी, मान लो आपने ये सब एक्टिव कर दिया, उसके बाद भी अगर आपके कार्ड से एटीएम पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर ऑनलाइन आपका जो ट्रांजैक्शन वो फेल्ड हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। चलिए पहले तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं, जो अभी हमने इसे डिसेबल किया था। और वापस हम उसी पेज पे जाएंगे। अब की बार हम यहाँ पे देखेंगे चैनल यूजेस टाइप, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक डोमेस्टिक वाला मिलता है, एक इंटरनेशनल वाला मिलता है। तो अगर आपके पास में इंटरनेशनल कार्ड है तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपके पास में डोमेस्टिक वाला कार्ड है तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऊपर वाला डोमेस्टिक वाला। तो ये आपको इंटरनेशनल वाला उसमें नज़र नहीं आएगा। तो चलिए हम डोमेस्टिक वाले पर क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस समय इनेबल है। बाई चांस कई बार अगर आपके एटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा या फिर आपकी जो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं उसका आपका जो ट्रांजेक्शन वो फेल्ड हो रहा है, तब भी आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है। तो बस आपको बस इतना ही करना है, और इस तरह से आप अपने कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।